तो एक बार दोबारा से रिटर्न ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 करने जा रहे हैं, जिसे प्यार से रिटर्न ऑफ लॉसेस भी बोला जाता है। क्या लॉस की रिटर्न फाइल करनी होती है? नहीं करनी होती है, करनी होती है। तो यहां पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 बोलता है मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ऑन और बिफोर आपको ड्यू डेट फाइल करनी है इफ सर्टेन लॉसेस, अगर आपकी इनकम में क्या है लॉसेस हैं और उन लॉसेस को आप क्या करना चाहते हो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। कहता है इफ अ पर्सन हैज, कह रहा है एक पर्सन है सस्टेन्ड अ लॉस, उसके पास लॉस है, कौन से हेड में लॉस है बोलो बेटा, पीजीपी के अंदर लॉस है उसके पास। अगर उसके पास लॉस है पीजीपी में, नंबर वन हो गया, देखो मैं आपको बताता हूं हेड की बात करता है तो नंबर वन, अगर इसे पॉइंट वाइज बोले तो नंबर वन हो गया पीजीपी, नंबर टू अगर बात करें तो कैपिटल गेन, नंबर टू हो गया कैपिटल गेन, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, सीधे कैपिटल गेन। तो इफ अ पर्सन हैज सस्टेन्ड अ लॉस अंडर द हेड, कहां पे उसको लॉस है पीसीपी के अंदर या कैपिटल गेन के अंदर, तो उस लॉसेस को क्या वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? हाँ जी, क्या वो उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? यस सर, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बट उसके लिए उसे क्या करना होगा, शैल बोला गया है, शैल का मतलब मैंडेटरी बोला गया है, शैल अप्लाई कि उसे रिटर्न ऑफ इनकम क्या करनी होगी, टाइम से अपनी फाइल करनी होगी। अगर उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम टाइम से फाइल करवाई तो ये काम वो कर सकता है। तो बेटा आज की क्लास के अंदर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 करने जा रहे हैं, जो कि किसके रिगार्डिंग है, रिटर्न ऑफ लॉस के रिगार्डिंग। तो रिटर्न ऑफ लॉस मतलब कि अगर आपके पास कोई लॉस है और उसका सेट ऑफ नहीं हो पाता तो आगे आपको उस लॉस को क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करना होगा, और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए शैलेश क्या करना होगा, सर ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करनी होगी। तो कौन कौन से हेड में उसने लॉस बताया है जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपने ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर दी, कौन कौन सा बताया हेड, पीजीपी और कैपिटल गेन। अगर हम बात करें जिन बच्चों ने सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ा था तो उन्होंने सेक्शंस पढ़े होंगे कुछ, जैसे सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 72, सेक्शन 72 किस चीज के रिगार्डिंग था, बिजनेस लॉसेस के रिगार्डिंग था, तो बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 73 कैपिटल ए स्पेकुलेशन लॉस, तो अगर आपका स्पेकुलेशन लॉस है तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद 73 कैपिटल ए, ये कौन सा बिजनेस है सर, स्पेसिफाइड बिजनेस जो कि सेक्शन 35 एडी में स्पेसिफाइड है। सेक्शन 74 कैपिटल लॉस, सेक्शन 74 कैपिटल ए ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, तो ये आपके पास लॉसेस हैं, ये आपके पास लॉसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, अगर आप इन लॉसेस को क्या चाहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना, तो आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट अपनी रिटर्न क्या करनी होगी, फाइल करनी होगी। बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ जी, समझ में आ गया। क्या सैलरी लिखा है यहां पे? क्या हाउस प्रॉपर्टी लिखा है यहां पे? नहीं सर, सैलरी की तो बात ही नहीं कर सकते, वो नॉट एप्लीकेबल है। पर हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्शन बन गया या नहीं बन गया? यस, हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्शन बन गया। हाउस प्रॉपर्टी के बाद कौन सा हेड आता है, पीजीवीपी, पीजीपी हो गया, उसके बाद कैपिटल गेन, आईओएस, सर वहां पे तो कोई लॉस होता ही नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, वहां लॉस कैसे होगा, और अगर लॉस होगा तो इनकम टैक्स वाला कहता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर उसमें लॉस हो गया, जीत हमारी हार तुम्हारी, ठीक है, बाकी जिसने क्लास ली है उसको पता है जीत हमारी का मतलब क्या और हार तुम्हारी का मतलब क्या। इट इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ लॉस,
एज देयर इज नो टैक्सेबल इनकम। तो यहां पे एक और एक्सेप्शन डाल दी, एक और एक्सेप्शन क्या डाल दी कि अगर अगर किसी की टैक्सेबल इनकम नहीं है, अगर किसी की टैक्सेबल इनकम नहीं है, मतलब मैं इंडिविजुअल एसएससी हूं, मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, मेरी इनकम, मेरी टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, 1 रुपए की मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो मेरे लिए क्या बोल दिया, इट इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ लॉस एज देयर इज नो टैक्सेबल इनकम। नो टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या कि सर उसकी इंटायर इनकम इज एग्जम्प्ट, उसकी इंटायर इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट कंपनी और फर्म। इसका मतलब कंपनी और फर्म के लिए तो मैंडेटरी है भाई, अगर आपका लॉस है और आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है। हाउएवर ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 80 चैप्टर कौन सा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस, आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देते। बात समझ में आ रही है। पहला पॉइंट देखो जी क्या कहता है, कह रहा है एज ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल लॉसेस आर नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, कोई भी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, देयरफोर रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ओनली इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, कैपिटल लॉस एंड लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस फॉर रनिंग इन अ हॉर्स रेस। ठीक है जी, जो लोग घोड़े पालते हैं और उनके घोड़े क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं जहां पे हॉर्स रेस होती है, तो ये सारे लॉसेस के लिए क्या बोला गया है, रिटर्न फाइल करनी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। इट मे बी नोटेड दैट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस विद इन द ड्यू डेट इट्स नेसेसरी, किन किन चीजों के लिए नेसेसरी है, 72(1) के लिए नेसेसरी है, 73(2) के लिए नेसेसरी है, 73 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 के लिए, 72 पता है ना आपको क्या है, बिजनेस लॉस, 73 क्या है, स्पेकुलेशन लॉस, 73 कैपिटल ए क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD, 74 क्या है, कैपिटल लॉस, और एक और लिखा है 74 सबसेक्शन 3 कहां से आ गया, 74 सबसेक्शन 3 और एक और लिखा हुआ है 74 कैपिटल ए सबसेक्शन 3, 74 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 क्या है, हाँ जी हॉर्स रेस। तो अगर बेटा ये लॉसेस होते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके लिए मैंडेटरी है अपनी रिटर्न आपको फाइल करनी होगी टाइम से, बट यहां पे एक लिखा हुआ है और वो क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 71B लिखा हुआ है, और 71B किस चीज के रिगार्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, किस चीज के रिगार्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देयरफॉर लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज सबमिटेड लेट, अगर आपने अपनी रिटर्न लेट भी फाइल की तो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट, बाकी बेटा ये डिलीट हो गया है, ये आपका डिलीट हो चुका है, हम लोग इसको ब्लैकिश कर सकते हैं, तो लॉ मेकर ने इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 के अंदर होता है, उसकी भी क्या है, इवन इफ रिटर्न अगर आपने कब फाइल की है, लेट फाइल की है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, हाँ जी तो भी आप क्या कर सकते हैं, बताओ ना, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करा सकते हो, उस लॉस को क्या करवा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 80 डज नॉट प्रोहिबिट सेट ऑफ ऑफ लॉसेस ऑफ करंट ईयर व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, इट ओनली प्रोहिबिट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कौन बच्चा इसका मतलब बताएगा, क्या मतलब है इसका,
मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं, आप एग्जाम्पल देखना फिर मुझे बताना समझ में आया या नहीं। हमारे पास, रुक जाओ यार, नई फाइल उठानी पड़ेगी। लेटेस्ट डेट है। देखो जी, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके पास। ड्यू डेट है, मान लो रिटर्न फाइल करने की पायल 30 सितंबर 2017, और आपने रिटर्न कब फाइल की है बताओ जी? ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल की है या आफ्टर? आफ्टर की है। अगर आपने रिटर्न आफ्टर फाइल की है तो क्या आप, कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिनका आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? कौन से लॉसेस जो करंट ईयर के, कौन कौन से लॉसेस हैं जो करंट ईयर के जिनका आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? सर, जो पीसीपी के हेड के अंदर आते हैं और कैपिटल गेन के अंदर आते हैं। सर, पीसीपी के अंदर अगर बात करें तो बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD, उसके बाद कैपिटल लॉस की बात कर रहा है और हॉर्स रेस के लॉस की बात कर रहा है, ठीक है? तो इन लॉसेस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। पीसीपी के अंदर कितना लॉस है? 3 लाख। आईओएस में कितनी इनकम है? 5 लाख। रिटर्न कब फाइल की है? आफ्टर ड्यू डेट। क्या मुझे बताओ ये सेटअप पॉसिबल है? यस बेटा, सेटअप पॉसिबल है। उसने जो प्रोहिबिट किया है वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने में प्रोहिबिट किया है, सेट ऑफ को प्रोहिबिट नहीं कर रखा, तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। उसने रिटर्न कब फाइल की है? बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट? आफ्टर ड्यू डेट। मुझे बताओ पीसीपी में लॉस कितना है? 4 लाख का। आईयूएस में इनकम कितनी है? सेट ऑफ हो जाएगा। यस, कितना लॉस आ गया? 1 लाख। क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? यस। हाउएवर लॉस ऑफ 1 लाख शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? रेड विद सेक्शन 80 एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। बात समझ में आ गई? बेस्ट एग्जांपल, मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूं, बहुत बढ़िया और जबरदस्त चार्ट, देखना ध्यान से। किसका चार्ट? सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के नाम। एक फ्रेश हेडिंग डालना। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, रिटर्न ऑफ लॉसेस। तो दो बातें होंगी, आरओआई। हाँ जी, इज फाइल्ड, आरओआई इज फाइल्ड ऑन और बिफोर, नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। हाँ जी, आंसर क्या आएगा? या तो यस और या तो नो। अब समझ में आ गया होगा, अगर आपने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? सर्टन लॉसेस आर टू बी कैरी फॉरवर्ड, आर टू बी कैरी फॉरवर्ड। बताओ जी कौन कौन से लॉसेस हैं
जो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। नंबर वन सर, पीसीपी के अंदर उन्होंने कुछ लॉसेस बताए हैं, जैसे वेरी गुड बिजनेस का लॉस है जो कि कौन से सेक्शन में कवर है, 72 के अंदर। उसके बाद स्पेकुलेशन का है, वो कौन से सेक्शन में कवर है, 73। उसके बाद स्पेसिफाइड बिजनेस, ये कहां पे कवर है, 73 कैपिटल ए सब सेक्शन 2। ये फाइनेंस एक्ट 2016 की अमेंडमेंट है। कब की अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2016 की अमेंडमेंट। पता है ना ये स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से सेक्शन में कवर है, 35 एडी में कवर है। उसके बाद सर कैपिटल गेन आ गया, तो कैपिटल गेन का अगर लॉस है जो कि कहां पे कवर है, अंडर सेक्शन 74, तो वो भी आपका कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा। और तीसरा ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, तो वो भी क्या कर जाएगा, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा अगर आपने अपनी रिटर्न कब फाइल कर दी है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो हमने ऊपर ही लिख लिया था कि इसने फाइल कर दी है। समझ में आया या नहीं आया, आया स्पीड में? उसके बाद बेटा नो में क्या लिखा हुआ है, हाँ जी नो में क्या है कि अगर आपने रिटर्न कब फाइल की है, दैट इज रिटर्न ROI इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। तो बताओ जी नंबर वन कौन सा लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। कौन सा लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कौन सा लॉस है बेटा सर, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और बताओ कौन सा है थर्ड, साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। और बताओ कौन सा है, फैमिली प्लानिंग। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो आफ्टर ड्यू डेट, तो ये लॉसेस क्या कर सकते हैं, हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। समझ में आया? हाँ। आगे नीचे स्पेशल नोट लिखो। स्पेशल नोट में कौन सा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। तो स्पेशल नोट में क्या लिखेंगे, पॉइंट 4 सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन 80 डज नॉट प्रोहिबिट सेट ऑफ ऑफ लॉसेस ऑफ करंट ईयर। क्या आपको ये सेट ऑफ के लिए प्रोहिबिट करता है, नहीं। ये किसके लिए प्रोहिबिट कर रहा है कि इन लॉसेस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ओनली प्रोहिबिट कैरी फॉरवर्ड ऑफ सच लॉस। तो लिखें सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन 80, ये पॉइंट पूरा लिख लो। तो ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 समझ में आया आपको, किस चीज के लिए प्रोहिबिट करता है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए प्रोहिबिट करता है। अब इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, दो पॉइंट वहां पे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे नीचे चार्ट के नीचे, इंपॉर्टेंट नोट। ये कौन सा नोट था, स्पेशल। अब इसके नीचे इंपॉर्टेंट नोट, पहले आप लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट नोट को क्या कहता है। देखो इंपॉर्टेंट नोट के अंदर कह रहा है, इफ एन एसएससी हैज सबमिटेड रिटर्न ऑफ लॉस, किसके रिस्पॉन्ड में, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1। अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, अगर आपने बोलो
अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आपके ऊपर एओ, एओ मतलब एसेसिंग ऑफिसर, एक नोटिस इशू कर सकता है, जिस नोटिस को बोलते हैं सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई एसएससी रिटर्न फाइल नहीं करता तो एओ के पास पावर है कि वो उसे नोटिस इशू कर सकता है और उसे कंपेल कर सकता है कि अपनी रिटर्न फाइल कर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, वो आपको सेक्शन 144 बताएगा, उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी। मैंने आपको कहा फ्राइडे आपका टेस्ट होगा, सारे बच्चे टेस्ट देने आए, शैलेश ले लेना एग्जाम्पल, शैलेश टेस्ट देने नहीं आया। मैं कौन हूं, एओ, एसेसिंग ऑफिसर। क्या मैंने नोटिस दिया था सारे बच्चों को टेस्ट देने का? यस, मैंने सबको नोटिस दिया था, पर सारे बच्चे टेस्ट देने आए, शैलेश टेस्ट देने नहीं आया। अब क्या होगा, इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी बीसीए सेक्शन 144 में। मतलब मान लिया जाएगा कि इसके मार्क्स जीरो हैं, अंडा हैं, मान लिया जाएगा। कौन मानेगा, एओ, एसेसिंग ऑफिसर। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो एसेसिंग ऑफिसर खुद आपकी इनकम क्या कर लेगा, डिटरमाइन कर लेगा, उसके ऊपर टैक्स निकालेगा और आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर इशू करेगा, इतना टैक्स भर दो। भर दिया तो नमस्ते लंदन, और अगर नहीं भरा तो बारात लेके आएंगे आपके घर और आपको उठा ले जाएंगे। आ रही है बात समझ में? और जब इनकम टैक्स की बारात आती है तो शैलेश अच्छे अच्छों की वो डैश हो जाती है चोरी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये स्पेशल नोट आएगा हमारा। अब क्वेश्चन ये आया, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये आया, इसने रिटर्न फाइल नहीं की, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस आ गया। किसके पास नोटिस आ गया, शैलेश के पास नोटिस आ गया। शैलेश ने वो नोटिस आने के बाद रिटर्न फाइल कर दी, तो क्या ये जो लॉसेस थे, करंट ईयर के लॉसेस थे, क्या ये उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर रिटर्न की डेट तो चली गई, ये तो नोटिस आने के बाद फाइल कर रहा है रिटर्न, तो क्या इसे नोटिस का बेनिफिट मिलेगा एओ के? नहीं, नोटिस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, इफ एसएससी हैज सबमिटेड रिटर्न ऑफ लॉस इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, सच लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस अनलेस वो लॉस किसका हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का होगा तो कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा, बट अगर वो और किसी का लॉस हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? किसका लॉस कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का। हाउ एवर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड, तो इसका मतलब दो हो गए, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो बात समझ में आ गई? तो अनलेस कौन सा लॉस होना चाहिए, नंबर वन हाउस प्रॉपर्टी लॉस, नंबर वन हाउस प्रॉपर्टी लॉस, एंड नंबर टू कौन सा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। समझ में आया या नहीं आया ना? लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, ऑल्दो लॉसेस ऑफ करंट ईयर कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कह रहा है जो करंट ईयर के लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते जब तक आप अपनी रिटर्न क्या है ड्यू डेट तक फाइल नहीं करेंगे, अनलेस अनलेस रिटर्न ऑफ लॉस इज सबमिटेड बिफोर द ड्यू डेट, बट अर्लियर लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। जो आपके अर्लियर लॉसेस हैं, अर्लियर लॉसेस का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, इफ लॉसेस ऑफ द ईयर्स वॉज सबमिटेड विद इन द ड्यू डेट एंड सच लॉसेस हैज बीन असेस्ड। देखो जी क्या बताया उसने पॉइंट नंबर सिक्स में, अगर आपका करंट ईयर का लॉस है और आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट को फाइल नहीं करोगे तो ये लॉसेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, खत्म कहानी।
दूसरा उसने ये कहा कि अगर अर्लियर लॉसेस हुए थे और आपने उनकी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर रखी थी, तो अब अगर बाद में भी रिटर्न फाइल की होगी तो भी वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। इतनी बात इसमें नहीं लिखी कि अगर आपने बाद में भी फाइल की, बाद में किसके लिए कह रहा है, जो अर्लियर लॉसेस थे जिनकी रिटर्न टाइम से फाइल हुई थी, तो वो लॉसेस आज भी कैरी फॉरवर्ड होंगे चाहे आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करोगे। समझ में आया या नहीं? तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, दो नोट लिखें फटाफट।